Assalamu alaikum, this is Ghalib Hussain. In today's video, I am going to discuss very important topic and that is the devaluation of rupee and the appreciation of the value of dollar. तो आज बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपने दो चीज़ों का नाम तो सुना होगा जैसे हम मार्केट फोर्सेस कहते हैं, और उसमें से एक का नाम है डिमांड और दूसरे का नाम है सप्लाई, ठीक है। और डिमांड और सप्लाई मदद करती है किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए या उसको डिटेक्ट करने के लिए, या हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में या फ्यूचर के अंदर प्राइसेस इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। अब डिमांड और सप्लाई को समझने के लिए मैं बहुत आसान से एक लिंक क्रिएट कर देता हूं, और वो लिंक यह है कि हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर्स हैं उसकी डिमांड कौन करता है, तो वो करने वाले होते हैं इंपोर्टर्स। इंपोर्टर्स क्यों डिमांड करते हैं? क्योंकि इंपोर्टर्स को बाहर से दूसरे ममालिक से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, बाय करते हैं, परचेस करते हैं, तो दे हैव टू मेक पेमेंट्स टू दोज कंट्रीज। तो वो जाहिर सी बातें उनको जो अदायगी करनी है वो करनी है डॉलर के अंदर, बिकॉज इंटरनेशनल मोड ऑफ पेमेंट इज डॉलर, नंबर वन। नंबर सेकंड थिंग इज द एक्सपोर्ट्स। अब एक्सपोर्ट्स बेसिकली क्या होता है कि एक जरिया होता है जिसके जरिए डॉलर इन्फ्लो करता है, फॉरेन एक्सचेंज इन्फ्लो करते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब मसला ये आ गया कि पाकिस्तान के अंदर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ट्रेडिशनल हैं, वही टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, वही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपोर्ट्स एनी टेक्नोलॉजी टू द वर्ल्ड। तो हम सिर्फ लिमिटेड चीजें कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास लिमिटेड सप्लाई ऑफ डॉलर ही या फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि जो इम्पोर्टर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं, उनके डिमांड ज्यादा है क्योंकि हमारी इम्पोर्ट ज्यादा है, ठीक है, और जो एक्सपोर्ट्स है हमारी वो कम है। तो जो गैप होता है, ये गैप क्रिएट करता है आपकी, एक इस गैप की वजह से जो है वो डॉलर की वैल्यू पे इम्पैक्ट आता है और नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। ये आपकी जो है वो आपकी इम्पोर्टर्स हैं जो कि डिमांड कर रहे हैं, डिमांड ज्यादा है डॉलर की, ठीक है, और सप्लाई जो है वो कम है एक्सपोर्ट्स के जरिए। तो अब क्या होगा कि डॉलर की वैल्यू अल्टीमेटली अप्रिशिएट करेगी और रुपी जो है वो आपका डेप्रिशिएट करेगा, बिकॉज वी नीड डॉलर्स, ठीक है, टू मेक द पेमेंट्स टू द अदर कंट्रीज। अच्छा, ये तो एक सिंपल सा रिलेशन, ठीक है। अब बात यह आती है कि सर हम इम्पोर्ट्स क्यों कर रहे हैं, मतलब इम्पोर्ट्स करने की वजह क्या है, हम इम्पोर्ट्स कम नहीं कर सकते। देखिए, पाकिस्तान इज इम्पोर्टिंग द एसेंशियल गुड्स। हमारे पास जो गुड्स जो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, जो बाय कर रहे हैं, जो परचेज कर रहे हैं दूसरे मालिक से, वो एसेंशियल गुड्स हैं। तो अब उसको हम उस वक्त तक कम नहीं कर सकते जब तक हमारे पास वो पाकिस्तान के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर्ड ना हो, ठीक है। तो ये भी एक इम्पैक्ट है उसका। तो हम इम्पोर्ट कम नहीं कर सकते अनलेस वी हैव दी सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कि हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनली जो है वो कमोडिटीज के प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं, और उसकी वजह क्या है कि क्योंकि दुनिया में डिमांड इंक्रीज हो रही है। क्या चीज़ बात, रिलैक्सेशन हुआ है, सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, और हमें पता है कि जब डिमांड इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली प्राइस जो है वो इंक्रीज होते हैं। जब प्राइस इंक्रीज होगा तो वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली आपका जो प्रेशर आएगा वो किस पर आएगा, आपके एक्सचेंज रेट के ऊपर आएगा, और आपका रुपी के ऊपर जो है ज्यादा आएगा, और आपकी रुपी जो है वो डेप्रिशिएट करेगा, डीवैल्यू करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइस का बढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास जो अदर जैसे हम कहते हैं कि हमें जो दूसरी अदायगियां करनी है, वी हैव टू मेक अदर पेमेंट्स, और वो कौन सी है हमारे पास, वो है जो हमने लोन लिया हुआ है दूसरे ममालिक से, ठीक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे जो हमने लोन लिया हुआ है तो उसकी भी हमें पेमेंट्स करनी होंगी, तो उसका भी प्रेशर है हमारे ऊपर कि हमें डॉलर्स चाहिए, उसका भी जो है वो हमें, फिर उसकी भी डिमांड, हम डिमांड कर रहे हैं ना भाई, हमें अदायगी करनी है तो वी नीड डॉलर्स, सो वेयर फ्रॉम वी आर गोइंग टू हैव द डॉलर्स। तो ये एक इशू आ रहा है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट रीजन हमारे पास आता है जो कि पाकिस्तान फेस कर रहा है, वो आता है हमारे पास के अफगान सिचुएशन, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है बेसिकली वो क्या है कि हमें पता है कि अफगान अकाउंट्स हैव बीन फ्रोजन, वो फ्रीज कर दिए गए, और अब वो बेसिकली क्या करते हैं, वो पाकिस्तान से इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से इम्पोर्ट कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से हम चीजें मंगवाएंगे क्योंकि उनके अकाउंट्स फ्रीज हैं। अब क्या होता है कि पाकिस्तान की जो इम्पोर्टर्स हैं वो क्या करेंगे, उनको पता है कि मुझे अफगानिस्तान में भी जो है वो एक्सपोर्ट करनी है चीज़ें, अफगानिस्तान में भी मुझे डिस्पैच करनी है, कंसाइनमेंट भेजना है, तो वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा ऑर्डर कर रहे हैं। अब इम्पोर्ट हमारी क्या हुई, एक तो पहले पाकिस्तान की डिमांड पूरी कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ 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 अफगानिस्तान की के लोगों के भी डिमांड पूरी कर रहे हैं, तो हमारा इम्पोर्ट बिल इंक्रीज कर रहा है।
जब हमारे इम्पोर्ट बिल इंक्रीज कर रहे हैं तो अल्टीमेटली बात है कि इम्पोर्ट्स आर ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट्स एंड अल्टीमेटली इट्स इम्पैक्ट विल बी नेगेटिव ऑन द एक्सचेंज रेट. द रुपी विल कीप ऑन डीवैल्यूइंग और एंड द डॉलर विल कीप ऑन एप्रिशिएटिंग. ठीक है, तो ये भी एक जो है वो रीजन है. इसके अलावा जब जब गवर्नमेंट हमारी IMF के पास जाएगी और IMF से लोन लेने के लिए जाएगी तो उस वक्त हमें लाजमी तौर पर इसको दिखाना पड़ता है कि देखिए भाई हमने तो डॉलर को डीवैल्यू कर दिया. तो एक इम्पैक्ट ये भी आ रहा है कि डॉलर डीवैल्यू हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट को की एक मीटिंग है IMF के साथ, तो उनको एक पैकेज चाहिए लोन का IMF से, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, तो उसके लिए भी जो है वो डीवैल्यू किया जा रहा है. डी वैल्यू करने का मकसद ये होगा कि देखें भाई हमने डी वैल्यू किया है, अब जो बाहर के लोग हैं वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान से जो है वो चीज़ें मंगवाएंगे तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेगी, पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो फिर दोबारा से आना शुरू हो जाएंगे, द सप्लाई ऑफ डॉलर विल इंक्रीज एंड बिकॉज द करेंसी इज डी वैल्यूइंग तो इट विल बी डिफिकल्ट और वेरी एक्सपेंसिव फॉर द इम्पोर्टर्स टू इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज. ठीक है ना भाई, जब डॉलर अप्रिशिएट करेगा और हमारी करेंसी डी वैल्यू करेगी तो हमारे इम्पोर्टर के लिए वो चीज़ महंगी पड़ेगी बाहर से, और जो एक्सपोर्ट जो वहाँ से हम जो एक्सपोर्ट करेंगे वो जो एक्सपोर्टर होगा उस जो चीज़ें दूसरे मुल्क में खरीद रहा है उसके लिए वो इनएक्सपेंसिव होंगी. लेकिन इसका फायदा भी तो नहीं है ना, इसका फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि आप बेचोगे क्या, दुनिया आपसे क्या चीज़ मांगेगी, वो आपके दो तीन गिनी चुनी जो आपकी चीज़ें हैं वही आपके पास मौजूद है सिर्फ. ठीक है, तो इसका भी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता. लेकिन एक इम्पैक्ट होता है कि जब भी गवर्नमेंट जाती है IMF के पास तो वो डी वैल्यू की तरफ लेके जाती है करेंसी को. ठीक है, तो ये जो है वो कुछ चीज़ें थी के जिसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है. करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली आपकी जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था फर्स्ट टॉपिक के अंदर मैंने जो बात की थी इनिशियली मैंने जो डिस्कस किया था कि योर पेमेंट्स आर ग्रेटर और योर इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स, तो आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट को हम लोग काउंट करते हैं. करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या आता है, आपके इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स आती हैं जिसमें आपके रेमिटेंसेस वगैरह और आपकी जो दूसरी चीज़ें आती हैं. लेकिन अल्टीमेटली फाइनली क्या है कि व्हेन एक्सपोर्ट्स आर इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट्स तो इट क्रिएट द बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट और वी कैन से करंट अकाउंट डेफिसिट. ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड को भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट एंड ऑल द अकाउंट्स आर पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप जो विजिबल गुड्स होती हैं उसकी जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है. ठीक है, विजिबल गुड्स माने जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट. तो ये चीज़ें बेसिकली जो है वो आपकी एक समरी मैंने आपको बता दी कि आपके मुल्क पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है उसका. अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इंडस्ट्री को प्रमोट करे, गवर्नमेंट को चाहिए वो इंडस्ट्रीज को कंसेशन दे, टैक्स कंसेशन दे, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर हाईलाइट करे कि वी नीड टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रीज. ठीक है, गवर्नमेंट को सबसे पहले वो इंडस्ट्रीज इंक्लूड करनी चाहिए अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर जो कि सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री होंगी, वो चीज़ें सबसे पहले प्रोड्यूस करेंगी जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है ताकि हमारी इंपोर्ट जो है वो कुछ कम हो सके. हमारी इंपोर्ट उस वक्त तक कम नहीं होगी जब तक पाकिस्तान के अंदर वो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश नहीं होंगे, इसके अलावा कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास. ठीक है, उसके अलावा जो हवाला है तो इलीगल ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी इंटरनेशनल जो आपकी ट्रांजेक्शन होती है उसमें रिकॉर्ड नहीं होता, वो मैं आगे इसको किसी और वीडियो में शेयर करूंगा आपसे. ठीक है, इसके अलावा लास्ट पॉइंट कि गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी दोनों को एक ही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा. अब अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगी तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी के साथ वही होगा जो अभी की कंडीशन आपके सामने मौजूद है. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यू मस्ट हैव एंड यू लर्न दैट व्हाट यू मस्ट हैव द नाउ इन्फॉर्मेशन दैट व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द डीवैल्यूएशन ऑफ लोकल करेंसी एंड द एप्रिसिएशन ऑफ डॉलर. तो ये आपको पता चल गया होगा और विद लॉजिक्स एंड विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टूल. तो मैं उम्मीद करता हूँ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन अल्लाह हाफिज़.